मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर इज वेरी इजी टॉपिक। हाँ भाई ठीक है। तो जी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज यू नो इट इज नॉट अ मैट्रिक्स, फोर इज नॉट अ मैट्रिक्स, सो फोर इज स्केलर एंड विद इन द पेरेंथेसिस 3 -1 एंड 5, दिस इज अ मैट्रिक्स, एम आई राइट? जी तो इफ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होगा? हम लोग 4 टाइम्स कर लेंगे, 3 से -1 और 5 से। ओके, 4 टाइम 3 इज 12, -1 4 टाइम -4 एंड 4 5 20। ओके, इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, दिस इज स्केलर, स्केलर एंड मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, यू नो पूरा मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ मैट्रिक्स। इजी जी राइट? अच्छा, इन पार्ट बी सपोज 3/2 और टाइम्स 5 1 2 4 10 9 -6। हाँ जी, क्या इसमें स्केलर क्या है? इसमें 3/2 इज व्हाट 3/2 जो स्केलर? 3/2 एंड दिस मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, ना? तो व्हेन यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एलिमेंट बाय यू नो बाय स्केलर क्या होगा भाई? थ्री तो मतलब ओवर टू टाइम्स 5, हाँ, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अच्छा, इट इज यू नो 5/1, यू कैन से 5/1, समझना जी आसान हो जाएगा ना हमें भी, हम इससे मल्टीप्लाई करें 3/2 by 5। यस, क्या होगा आंसर बताइए? फ्रैक्शन सर, मैं फ्रैक्शन में छोड़ू या डेसिमल में? में कर दें, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तो वेरी 15/2 गुड, 15/2 इज द फाइनल आंसर हियर। नाउ -3/2, गॉट इट? जी देन 3/2 टाइम्स 2, तो 3/2 टाइम्स 2, 2 under 2, 2 under 2, इट विल बी 3। तो आई एम गोइंग टू राइट 3 हियर। ओके, देन जी यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 6 4, यस, 3/2 and 4, 3/2 times 4, नीचे 1 लगा दिया करें तो ये हो जाएगा 2 under 2, 4, इट मीन्स 6 हो गया। अब तो कर लेंगे ना, और जी -10, सो 3/2, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, बट जी तो जरूरत नहीं है। 2 under 2, 5 10, -15 जी एंड लास्ट -27/2, जी जी ओके। अच्छा जी, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, राइट? इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन, देन राइट? तो जी कैसा होगा भाई? तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, मल्टीप्लाई किससे? 5 और 5 ओके, -1 से होगा। स्केलर को हम मैट्रिक्स से मल्टी मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ईच मैट्रिक्स से, तो इट विल बी -5, इट विल बी 10, इट इज 15 एंड इट विल बी 20, एम आई राइट? जी अच्छा, एंड बी केयरफुल, पहले ना आप सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में इंच होते हैं, ओनली 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट, राइट? ये इसे टेक्निक है, तो गलती का चांस हो जाता है। तो माइनस स्टे का माइनस इन पर मौजूद है, ये वाला माइनस इन मौजूद है, 7 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन विद ईच जीरो एलिमेंट, 0, 7 जीरो 0 0, 7 1 द 7, 7 2 द 14, ओके। नाउ जी अब देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा? स्लो -5 -0 इज -5 -0 देन 15 और 15 माइनस -1 -7, बी केयरफुल, -7 माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जी
प्लस 7, देन 10 माइनस 0 इज अच्छा माइनस 5 माइनस 0 इज ठीक है, 10 माइनस 0 सो लिख दिया, 10 माइनस 0 देन 20 माइनस माइनस 14, ये बात समझ आई, माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो आई एम गोइंग टू राइट 20 प्लस 14 ठीक है। जी कंफ्यूजन, देन नहीं आपने क्या करना है जनाब, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइनस 5 10 22 और 34 34 22 और 34, क्लियर होगी बात सही तरीके से? जी ऑलराइट, जी पार्ट बी भी कर लेना ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट बी में कह रहे हैं माइनस टू टाइम्स माइनस 1.5, देन माइनस फोर टाइम्स 2.1, यस कैसे होगा भाई, क्या होगा कैसे होगा? हम लोग पहले -2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब 4, तब वो आंसर्स माइनस करेंगे। राइट, तो इसका क्या हो जाएगा भाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विद -2 विद ईच एलिमेंट? अच्छा यहाँ पर चूंकि ये फर्स्ट नंबर है तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई -1 से कर दें, नो इश्यू, जी फिर 5 से कर दें, और इट विल बी +2 एंड इट विल बी -10। ओके, जी इन द नेक्स्ट स्टेज मल्टीप्लाई सिर्फ 4 से करें आप, अभी माइनस से नहीं करें, 4 से 2 को करें और 4 से 1 को करें, ठीक है जी। जी माइनस एज ए कॉपी एंड इट विल बी 4 to the 8, 4 to the 4 ठीक है जी। जी नाउ सबट्रैक्शन 2 - 8 -10 -4 ठीक है जी, जी और उसके बाद हो जाएगा -6 अच्छा ओवर -14 ओवर नहीं होने, बस -6 -4 जी ठीक क्लियर हुई बात? जी